नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बजट रैली आएगी, लेकिन दोस्तों पूरा बजट रैली किस तरीके से आएगी मैंने ये भी एक्सप्लेन साथ में किया था। पूरा 5 मिनट आपको ये साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाने की कोशिश भी की थी इस वाली वीडियो के अंदर, और मैंने आपको साफ साफ कहा था कि अगर बजट रैली आनी है तो मार्केट को एक जर्क देना चाहिए, और अगर जर्क मार्केट देगा तो आप घबराना मत। कब तक नहीं घबराना आपको, जब तक जर्क देना है तो ये आपका स्टॉप लॉस, मतलब जर्क में आप देखो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर चली जाएगी। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, ये हमने कल बहुत 5 मिनट ड्यूरिंग द लाइव वीडियो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि ये डायरेक्टली मार्केट ऐसे जाएगी। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, मार्केट जर्क देगी, बी रेडी फॉर द जर्क। ठीक है, अब ये जर्क जो है इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। किस लेवल के नीचे? जो ये कैंडल का लो है ना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इसके नीचे चला गया देन फिर मार्केट नीचे तोड़ देगी, ये हमने कल डिस्कशन किया था। लेकिन जर्क नीचे आना चाहिए और इस कैंडल के लो से ऊपर ऊपर ही बॉटम बना के मार्केट जब ऊपर जाएगी ना, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्री बजट रैली। ये हमने कल पूरा का पूरा मतलब मार्केट में एक कहते हैं ना पोजिशनली मार्केट की रैली किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी वो हमने कल डिस्कशन किया था। लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या था कि ये वाला जो लेवल है वो नहीं टूटना चाहिए। ये अगर 5 मिनट का जो वीडियो जो मैंने कल डिस्कशन किया था 5 मिनट का अपनी वीडियो के अंदर, इस डिस्कशन को ना आप ना 2 से 3 बार जाके समझना, आपको पूरा खेल समझ में आएगा। तो इफ मार्केट नीड टू गो टू द अपसाइड देन जर्क इज कंपल्सरी। ठीक है, तो जर्क आया है आज के दिन। अभी जर्क कितने दिन तक कंटिन्यू रहता है वो हमारी देखने वाली बात है, लेकिन ये वाले लोग के ऊपर ऊपर से जाना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट बन जाना चाहिए और उसके ऊपर बाद मार्केट जाए, देन इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये हमारे लिए एक फिर नई एंट्री का पॉइंट बन जाएगा। जर्क के अंदर हम यहाँ पे आसपास इस मूविंग एवरेज के आसपास भी अगर एंट्री बनाएं, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो ये जो प्रीवियस लो है इसके स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बना सकते हैं, ये हमने कल डिस्कशन किया था। ठीक है, और हमारे लिए फिर मार्केट की रैली पकड़ना, दोबारा री एंटर करना मार्केट के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वाला स्टॉप लॉस। तो जर्क अभी है, जर्क कंटिन्यू रहने दीजिए, लेकिन ये जर्क जो है इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हमने कल डिस्कशन किया था, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कल डिस्कशन किया था, और जाके रीचेक कीजिएगा वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे अरे, क्योंकि थंबनेल देखकर भी बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, फिर वो कहते हैं अरे आप कल तो गए। कल नहीं हुआ हूँ, जाके चेक कीजिएगा, हमने पूरा डिस्कशन कर रखा है। अगर ये लो टूटता है देन हम अपना स्टॉप लॉस भी ले लेंगे। ठीक है, और नहीं टूटता और यहाँ से मार्केट जर्क देने के बाद यहाँ से उठता है देन इट विल बी कॉल्ड एज ए प्री बजट रैली। ठीक है, तो ये सब है और ये सब मैं आपको सेकेंड डे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर ही, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न में ना रहें कि प्री बजट रैली अगर आनी है तो किस तरीके से आनी है। मैंने आपको दोनों दिन सेम बातें कही हैं, कल भी यही कही थी, आज भी यही कही, जाके जरूर चेक करना। स्टॉप लॉस विल बी दिस। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है देन वी विल नॉट फाइट विद द मार्केट, फिर मार्केट नीचे जाना चाहेगा तो जा सकता है, बट अभी भी पूरी एक्सपेक्टेशन है किस तरीके से है, जाके कल की वीडियो चेक करना, आज से भी चेक करना। ठीक है, दो बार जरूर देखना। और चलो आज ये कैंडल देखते हैं फटाफट से। कैंडल जो है आज की वो बेयरिश है ओवरऑल, इसने 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जाकर रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ से नीचे गिरी है और वापस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है मार्केट, तो इट इज़ प्योरली एंड प्योरली ए वीक कैंडल। मार्केट में आज तकरीबन, क्योंकि मेरी टीम मुझे बताती रहती है सोशल मीडिया पर, मेरी टीम एक्टिव है, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि आज सब के सब मतलब 80 से 90% जो सोशल मीडिया थी वो बुलिश थी आज के दिन। और दोस्तों, जब आपका पूरा दुनिया एक ही सुर में गाए, समझ लेना वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मैं तो ट्रैक नहीं करता पूरी दुनिया को क्या किस सुर में है किस सुर में नहीं है, लेकिन मेरी टीम ने मुझे बताया कि आज सब लोग बुलिश हैं। सो नाउ जब मुझे ऐसा कंफर्मेशन मिलता है तो देन मैं जाता हूँ अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और डाटा पॉइंट्स जो लाइव मार्केट में होते हैं उससे सब कुछ सही सही बता देते हैं। तो वही चीज़ थी आज के दिन मार्केट के अंदर, अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये चीज़। ठीक है, कि डाटा पॉइंट्स कितने ज़्यादा सही होते हैं, कितने ज़्यादा सही थे डाटा पॉइंट्स, और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा था वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट आज खुली यहाँ पर
के साथ एक बड़ी कैंडल बनी, फिर रिकवर कर गई। सो मार्केट ने आज पूरा दिन, पहली चीज़ तो ये कि मार्केट ने आज पूरा दिन एक रेंज में रहा, 40 से 50 पॉइंट की रेंज में रहा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या था वो समझना, वो चीज़ मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट की थी, वो भी फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल है, ओरिजिनल के साथ ज्वाइन करना। ओरिजिनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेक चैनल से बच के रहना, फेक चैनल में जो जुड़ोगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये आज की अपडेट है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर थी ये वाली अपडेट, कि अगर शॉर्ट करना है तो 18190 के नीचे ही करना है। पहली चीज़, पहली अपडेट थी। तो 18190 जो है वो नहीं टूट रहा था मार्केट के अंदर, उसको सेव करवाया जा रहा था बार 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 बार। लेकिन दोस्तों 18190 अगर डाटा बेयरिश है तो कब तक बचेगा, मतलब आसान नहीं है ठीक है मार्केट के लिए 18190 बचाना। अब मैं आपको 18190 का इम्पोर्टेंस समझा देता हूँ, वो भी समझो कि देखो 18190 जो मैंने आपको लेवल दिया था ठीक है, वो देखो आप खुद देखो उसकी इम्पोर्टेंस समझो। आज हम सैटरडे संडे छुट्टी है तो इसलिए हम वीडियो लंबी बनाएंगे ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं हर वीकेंड पे। नाउ सी, 15 मिनट के ऊपर आप चेक करोगे तो एक भी कैंडल जो है 15 मिनट की 18190 के नीचे क्लोज नहीं हुई थी ठीक है। ये एक लाइन है, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी यहाँ तक 2 बजे तक। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि भाई ये बड़ी बड़ी कैंडल बन गई। अचानक से ये हुआ कि सुबह से कोई यहाँ पर 18200, 18100, याद रखना इस चीज़ को, 18200 और 18100, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर लाइव डाटा पे दिख रहा था मुझे कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर इसको कॉल को राइट कर रहा था, कॉल सेल कर रहा था, कॉल राइट कर रहा था। कौन कौन सी? 18200, 18100। तो इट वॉज डैम श्योर के मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन मैं खुद सरप्राइज था कि 18190 जो लेवल है उसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर रही, पूरा दिन मार्केट चला गया। तो अब मार्केट मूवमेंट देगा तो या तो फिर आखिरी का आधे घंटे में देगा या फिर देगा मंडे को। ये इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई मी। लेकिन देगा किधर का? नीचे का। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है कॉल राइटिंग कर रहा था ठीक है, ये हमको पता लग चुका था। यही अपडेट जो है आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर दी थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चेक कर सकते हो कि क्या ये अपडेट आपको मिली कि नहीं मिली। जी हाँ बिल्कुल मिली। कितने बजे मिली? 1:38 पे मिली। साफ साफ आप देख सकते हो कि कॉल लेटर आर एक्टिव सिंस मॉर्निंग इन द 50 पॉइंट रेंज बाउंड सिचुएशन, बुलिश पोजिशंस कॉशन लेवल टू वॉच 18190। मतलब मार्केट जब 18190 के ऊपर ही चल रहा था, जब भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है मार्केट के अंदर, डाटा पॉइंट वो दिख रहा था साफ साफ। तो 18190 एक सौ एक 38 यानी कि 1:40 के आसपास पता लग गया था मुझे। 1:40 इस कैंडल को बनने से पहले का कैंडल था ये वाला ठीक है। यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था, और ये कैंडल जो है 190, 18190 के ऊपर ही चल रही थी। लेकिन दोस्तों डाटा इंडिकेट कर देता है, और वही डाटा की सुप्रीम क्वालिटी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। हम डेली बेसिस के ऊपर चेक करते हैं इस चीज़ को। इस कैंडल के ऊपर जबकि आपका एक भी कैंडल 5 मिनट के भी 18190 के नीचे नहीं क्लोज किया, उससे पहले ही हमको इंडिकेशन मिल चुका था कि अब यहाँ पर मार्केट नीचे जाने वाला है, संभल के रहना। कॉशन दिया था आप लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि लॉन्ग से बच के रहना, और जो लॉन्ग से बच के निकल गया होगा यहाँ तक, इस दौरान जिन लोगों ने अपनी पोजिशन क्लोज कर दी होंगी लॉन्ग की और बीयरिश पोजिशन ली होंगी, उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। और यहाँ पर एक मूव आया, और फर्दर फिर क्या हुआ मुझे समझाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट, और ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको समझो समझाई फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अभी प्रेडिक्शन जो है बियरिश है। FIs दोबारा से लौट आए हैं, आई थिंक जल्दी इस बार वो छुट्टी पे, मतलब मेरे ख्याल से 100 में से 50% ही शायद FIs छुट्टी पे गए हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इस बार जो है कम नहीं हुई है आसानी से। एक्टिविटी पहले उन्होंने पोजीशंस क्लोज करने की करी, फिर उन्होंने इक्विटी में भी एक्टिविटी आज शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल से 50% पोजीशंस ऑफ FII, यानी कि 50% जो FIIs हैं, 100% होता क्या है कि मान लो 100 FIIs हैं, 100% FII हैं, तो वो कभी भी एक साथ छुट्टी पर नहीं जाते। मैंने आपको पुरानी वीडियो में समझाया था। तो मुझे लगता है कि वो उनका जो रेशियो है वो बढ़ रहा हुआ है इस बार, सारी छुट्टी पर नहीं गए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आज का देखो इन्होंने क्या किया FIIs ने। FIIs ने आज के दिन 3,000 करोड़ के आसपास सेल किया है,
DIIs एज यूजल जो है बुलिश हैं, तो DIIs अभी भी बाइंग कर रहे हैं, FIIs अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। जब तक FIIs बाइंग नहीं करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने में या ऊपर की रैली दिखाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं अपने चैनल के ऊपर। बात करते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं? डाटा पॉइंट्स दोस्तों, कल कोई भी बंदा किसी भी टाइप की पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया था, हम जानते हैं इस चीज़ को। कल हमने डिस्कशन भी किया था, ठीक है, क्योंकि कल क्योंकि कल क्या था, कल एक्सपायरी थी, वो भी ईयर एंड की, सबने अपनी पोजिशन क्लोज की थी। आज प्रोपराइटर कॉलाइडिंग करके गया है और FIIs ने 1800 की कॉलाइडिंग को कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। DIIs की कोई पोजिशन आज बिल्ड नहीं हुई है। रिटेलर्स आज, क्योंकि मैं जानता हूँ आज, क्या कहते हैं, मुझे पता लग चुका था सुबह सुबह कि पूरी दुनिया आज बुलिश बैठी हुई है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी कर रही है डाटा पॉइंट्स के ऊपर कि आज रिटेल पार्ट जो है वो कितना बुलिश है, ठीक है। तो ये सब हमको पता लग जाता है लाइव मार्केट में, और डाटा आपको रिफ्लेक्ट भी वही चीज़ कर रहा है कि आज FIIs 1800 की जो है कॉल राइटिंग करके कैरी फॉरवर्ड करके गया है, ठीक है। बात करते हैं एनालिसिस की। तो दोस्तों, एनालिसिस में बहुत सिंपल है, आप दोबारा से देख सकते हो कि फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट बनने शुरू हो गए हैं FIIs के, और यहाँ पर कोई भी शॉर्ट इसके अलावा नहीं कर रहा है, अकेला ही लगा हुआ है, केवल FIIs लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अकेला FIIs जब मार्केट को ड्राइव करना शुरू कर दे तो वो किसी को भी छोड़ता नहीं है, और FIIs अभी भी लगा हुआ है कि हाँ भाई, हम अभी भी शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। लेकिन इनके वॉल्यूम्स काफ़ी कम हैं, इस बात को ख्याल रखना, इनके वॉल्यूम जो हैं FIIs के काफ़ी कम हैं इस वक्त। बात ख्याल रखने वाली बात है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम हैवी रहेंगे अगर 2 तारीख के बाद, देन हम इनको इम्पोर्टेंस देंगे, अभी मैं इनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। बात करते हैं अगर हम टोटल पोजीशंस की, तो रिटेल ट्रेडर दोबारा से 3 साढ़े 3 लाख के आसपास बुलिश हो गया है। हमने अपने पुराने वीडियोज़ में चर्चा की है, जब भी ये 5 लाख के आसपास बुलिश होता है तो एक डाउन साइड मूव इनके अगेंस्ट में आता ही है। तो अभी जो है 3.5 लाख के आसपास बुलिश हुआ है, मेरे हिसाब से जैसे ये 5 साढ़े 5 लाख के आसपास या 4 साढ़े 4 लाख या 5 लाख के आसपास बुलिश हो जाएंगे, फिर एक मूव आएगा। ऑलरेडी एक मूव चल रहा है डाउन साइड का, मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी एक जर्क जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन अभी है मंडे के लिए। बात करते हैं इनकी जो FIIs की जो पोजिशन, मतलब पोजिशंस हैं उनकी बात करते हैं। कल क्लोज कर दी सारी पोजिशंस, आज दोबारा से अभी भी जो बजट रैली एक्सपेक्टेशन है वो मेरी उम्मीद है, जब तक कि 17,800 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर जर्क की एक्सपेक्टेशन थी वो अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 18,250 की लेवल के ऊपर इन्होंने पोजिशन बनाई हैं, आज के दिन 12,000 के आसपास इनकी पोजिशंस हैं, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है मार्केट में मिसिंग है, जब भी नीचे मार्केट जा रहा है, इक्विटी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस बार का ख्याल रखना, तो यहाँ पर अभी भी जो शॉर्ट पोजिशन है वो किस लेवल पे है मैंने बता दिया है, और कहाँ कितनी पोजिशन बनी है वो बता दिया है, ठीक है। ओवरऑल ये चार्ट भी जो है वो भी बेयरिश है, देख सकते हो चार्ट की पोजिशन नीचे गिरनी शुरू हुई तो चार्ट भी नीचे गिरना शुरू हुआ। तो FIIs की पोजिशन साथ साथ मार्केट चलता है, सच्चाई है ये, और इसको कोई जुटला नहीं सकता, जिसका प्रूफ आप दोबारा देख सकते हो कि इन्होंने बेच बनाई पोजिशन तो मार्केट नीचे की तरफ गया। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ये जर्क के लिए नीचे की साइड डाउन साइड है या फिर एक बड़ा मूव आएगा वो अपकमिंग वीडियोज़ में हमको पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो नीचे की तरफ ही इशारा मुझे मिल रहा है। ऑप्शन चेन देख सकते हो, ऑप्शन चेन में 18,000 के आसपास जो अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। तो 18,000 सपोर्ट अभी बरकरार है इस एक्सपायरी के लिए, और मार्केट में 18,100 की जो है कॉल राइटिंग करके गया है, FIIs यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। और ये जो हैं 18,200 पे जो ये बंदे हैं, ये लोग जो हैं ये रिटेल ट्रेडर हैं, भर भर के इनकी बलि चढ़ेगी मंडे को, देखते हैं कि नहीं चढ़ेगी, लेकिन चढ़नी पकाया मतलब है मेरे ख्याल से, ठीक है। और 18,200 पे भी कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये जो दोनों प्लेयर हैं ये बड़े प्लेयर हैं, 200 पे और 100 पे लाइव मार्केट में पता लग चुका था और वही यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन चेन है वो बेरिश ही है मेरे हिसाब से, लेकिन 18,000 के आसपास एक सपोर्ट है, उसको भी हम लोग ख्याल रखेंगे, उसको भी हम माइंड में रखेंगे, उसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 18,000 टूटेगा, उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम आगे बात करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। डाटा पॉइंट बेरिश है, बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या चाहती है, बैंक निफ्टी क्या कह रही है फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है उसने आज डाउन साइड मूव दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस से ऊपर ही क्लोज कर गई, ये अच्छी क्लोजिंग कहूँगा मैं एक तरीके से। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, इस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो यहाँ पे हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 10 दिन और 20 दिन का मूविंग है, जब तक 20 दिन का मूविंग है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती,
जब तक ठीक ठाक है मतलब, लेकिन ये कैंडल जो है ऊपर जाने के बाद रेसिस्टेंस के आसपास एक रेड कैंडल है, ये भी एक नेगेटिव प्रेशन है। अब सिंपल सी कहानी ये है कि इसका जो सपोर्ट बचा है ना वो ये बचा है, कौन सा 42,300। इस यहाँ से अगर इसने बाउंस किया तो ये बहुत तगड़ा बाउंस करेगी, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो। अगर इसके नीचे गया तो फिर आपको मार्केट में फिर एक जग जो है कंटिन्यू देखने को मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ वॉल्यूम्स कम है मार्केट के अंदर, ध्यान से समझना, जब भी बेयरिश कैंडल बन रही है, अब देखो आज के वॉल्यूम देखो इसमें कितने कम है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम कम है बेयरिश पोजीशंस में या बेयरिश कैंडल में तो ये कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ वॉल्यूम्स काफ़ी कम है बेयरिश सिचुएशन के अंदर। निफ्टी 50 में भी आप चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम्स इसमें भी काफ़ी कम है, ये देखो इस पर शायद दिख नहीं रहे लेकिन मैंने उसका वॉल्यूम का डाटा जो है रिकॉर्ड करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, तो मैंने इसको जज किया था और इसको मैंने, आप भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैंने देखा हुआ है, तो वॉल्यूम्स आपको कहाँ मिलेंगे देखने को वो भी समझ लो, वॉल्यूम्स आपको आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये चेक करो ये वाले वॉल्यूम। तो ये टर्नओवर जो वॉल्यूम है ये काफ़ी कम है इस वक्त, क्योंकि मार्केट में एफआईज पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एडवांस मीटिंग लाइन इशू भी अच्छा है, तो ओवरऑल मार्केट में जर्क है, ये केवल एक जर्क है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सावधान कर रहा हूँ कि जब तक 17,800 ना टूटे, बियरिश बियरिश बहुत ज़्यादा बियरिश होना खतरनाक है, क्यों, क्योंकि अभी वॉल्यूम्स मिसिंग है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम के साथ गिरती तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करते ये समझने की कि हाँ आप तो गया मार्केट, लेकिन अभी उम्मीद है बरकरार, ठीक है। पोजिशनली की बात कर रहा हूँ, मंडे के लिए मैं बता चुका हूँ डाटा नेगेटिव है, लेवल बता चुका हूँ मंडे के लिए, ठीक है। मंडे के लिए लेवल जो रहेगा वो ये रहेगा 42,600 का, इसके नीचे जाता है तो 42,300 तक मार्केट आएगा बैंक निफ्टी का। लेवल मंडे के लिए दे चुका हूँ, पोजिशनल बातें कर चुका हूँ, दो बातें कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग हैं, कोरिलेट मत करना कि दोनों तरफ की बातें कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है समझने वाले को बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्लियर कर देता हूँ। मंडे के लिए डाटा बेरिश है, लेवल नीचे का बता चुका हूँ सपोर्ट का, 18,000 निफ्टी में, 42,600 जो है, 42,500 या 600 के आसपास सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में है, ठीक है। अगर जो प्रीवियस ये लो हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर वो टूटते हैं तो हम पोजिशनली वीक होंगे, अदरवाइज पोजिशनली अभी हम वीक नहीं हैं, ठीक है। तो इंट्राडे यानी कि नेक्स्ट डे की एनालिसिस अलग हो गई और पोजिशनली एनालिसिस अलग हो गई, दोनों को कोरिलेट करना एक साथ जरूरी नहीं है, अलग अलग देखना जरूरी है, समझ गए। कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैसेज में मुझे नहीं चाहिए कन्फ्यूज़न किसी नीचे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लाइव मार्केट में मिलेंगे हम मंडे को ऑन माई फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।